तो आज हम लोग एक न्यू वर्ल्ड बनाया है, तो और उसमें अब से हम लोग खेलेंगे। एक आइडिया था, बस स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया। तो यहाँ पर ही है शायद वो स्केलेटन, यहाँ पर ही है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हवा में कैसे है। अच्छा, वो इतना आधुनिक जगह है ना। तोड़ते इनको। तो गाइस, मेरे हेडफोन में थोड़ी खराबी है, आपको आवाज़ नहीं भी आ सकती है मेरी। गाइस, क्या अभी मेरी पेट तोड़ने की आवाज़ कम, काफ़ी कम आई। जंगल वुड बने हैं हमको, इसे हम लोग बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल। उसमें अपनी बनाएंगे थोड़ी सी स्टिक और बनाएंगे एक पिकैक्स, वो भी लकड़ी की। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है, नेदरट कैसे भी ज़्यादा फास्ट। मैं भी क्या पागल हूँ ना, पागल की तरह हरकत कर रहा हूँ। वो पर कुछ स्टोन पिकेक्स मान करते हैं ना कि इस पिकेक्स। तो मैं किसी न्यू टेक्निक से आया हूँ, देखा ये है मेरा फास्टिकल। नाशी बनाते हैं, दिखाई नहीं करते, सीधा बनाते हैं। ये वहाँ पे इसको पड़ोड़, तो हमें इसको माइंड करने के लिए हम भी ऐसे तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं नूब नहीं हूँ। अगर आप में से कोई नहीं हो तो कमेंट में मेरा। और हाँ, मैंने और हाँ कुछ मीट्स लिखना गाइस। मैंने गाइस एक मीट वाला भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम मीट को देखेंगे कि कौन सा मीट ठीक और कौन सा गलत है। ठीक है, आप मीट्स भी लिख लेना।
कितने मिले? वाह एक स्टैक हो गए। मुझे कुछ कुछ दिन अभी याद आया कि कॉपर को मानकर से हमें सिर्फ एक नहीं दो मिल कॉपर मिलते हैं। कॉपर में यही होता है। तो चलो तो कुछ शीट्स को देखते हैं हमें कितने लगे। हमें कितने शीट्स चाहिए? ज़्यादा नहीं मिले, थोड़ी बहुत ही मिले। ये तो कुछ मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ कोको पा भी तो ये हम ले लेते हैं। हमें एक ही मिलता है तोड़ने पर। ऐसे एक नहीं कभी कभी दो तीन भी मिल ही जाता है। तो चीजें वो कोपर ये फिश कोपर मार ना सकता है ये क्या फायरवर्क स्टार। अच्छा ये
रॉकेट का में बोलते हाँ रॉकेट बनाने के काम में आता है। एक सेकंड मुझे देखना है बाहर क्या हो रहा है। तो मुझे ना थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ, जरा कोई बताएगा मुझे। अच्छी बात है ये क्या बाप रे, इतना खतरनाक। ऐसे देखो आस पास, ये देखो एलेक्स का फेस, एक सोमिया उसने मुझे कहीं देख लिया। जब मैं जंप कर रहा था पुदक के साथ, जंप कर रहा था ना, तो उसने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूँ, इसके वो ज़ॉम्बी सबको बता देगा। क्या करूँ मैं, यहाँ पर ये ब्लॉक है वो देखो अभी भी आवाज आ रहा है। वो उसको पता है कि मैं इसके अंदर हूँ, इसीलिए वो मुझे फोन रहा है। आप बोलोगे कि भाई तू दिन होगा तो कैसे समझेगा, ज़ॉम्बी लोग मरने लगेंगे तब क्या होगा, तभी मैं समझूंगा कि दिन हो गया है। रात ही है, काश वो इसके अंदर टेलीपोर्ट ना हो।
और गाइस मैंने ना एक पार्कोर वाला वर्ल्ड भी बनाया है, तो उसमें खेलेंगे। क्या होगा, किस लिए होगा, क्यों होगा, किस कॉपर इंगोट। वैसे मैं इतना बुद्ध की तरफ क्यों बात करूं, मुझे पता है कि इनको स्मेल करने से कॉपर इंगोट बनता है। फिर भी मैं इनके बुद्धू की तरह क्यों बात करूं। ओके माइंड करते हैं, बहुत दिन हो रहा है बस। तो आसमान को देखो, थोड़ा सा बादल रेड हो गए हैं, मतलब सूरज अभी उग रहा है। तो इस रॉक ऊपर को खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। हाँ ये तो एक मटेरियल है, मटेरियल को हम लोग कैसे खाएंगे, आप भी बताइए। तब की तरफ बात करूँ, ब्राउन शल्कर कहाँ गया। ओके इसके ऊपर सुबह हो रही है, अभी इनके हालत टाइट हो गई। क्या मैं, ओ माय गॉड, रात काफी खतरनाक था। फिर इसको रविन की तरह यहां से मैं ज्यादा कुछ नहीं, ये रविना काफी लैग करता है, मुझे इतना भी नहीं। तो चलो निकलते हैं, यहाँ पर अभी तक मुझे एक क्या होता है, माइनशाफ्ट नहीं मिला। यहाँ पर तो माइनशाफ्ट भर भर के रहते हैं मैशावा में। मुझे लगा कृष्णा बुरी किस्मत है, मुझे लगा कि वो एक माइन शाफ्ट है, एक डेजर्ट विलेज, विलेज होता है, मैं विलेज बोल रहा था विलेज को, जो भी हो चलो चलते है। फाइनली अभी मैं सो पाऊंगा, चलो। ओ माय गॉड ये तो काफ़ी, वहीं नीचे तो आयरन है लेकिन हमको आयरन नहीं चाहिए, हम तो चाहिए सिर्फ खाना। ओ हाय विलेजर्स, आयरन को आपसे कहें मुझे बात ही नहीं करनी, इसने मुझे काफ़ी बार मारा है, उसे मुझे मारेगा ही क्यों नहीं, मैं उसको मारता हूँ बहुत बार। क्या बच्चा क्या बच्चा, वैसे कैक्टस से ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता, क्या बुद्धू की तरह बात करूँ। ओपी बुद्धू इन द चैट, क्या बोल रहा हूँ, पिछले कोई सेंस भी होता है। ओपी बुद्धू इन द चैट, कोई सेंस भी होता है इसका जो मैं बोल रहा हूँ। ये भी ब्लैक स्मिथ नहीं है यहाँ पर शायद, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता, इसलिए शायद बोला। इस घर में एक क्राफ्टिंग टेबल जो कि मेरे पास पहले से है,
क्राफ्टिंग टेबल क्या ओकर क्या आवाज है मुझे भी जो भी आवाज है मुझे उसे क्या मुझे तो बस खाना चाहिए खाना एक स्मोकर स्मोकर से जल्दी कुक होता है मैंने ये सुना है और एक भी मुझे लग ही रहा था कि इसमें ब्लैक स्मिथ नहीं है हाँ मैं एकदम सही बोलता हूँ नहीं बोला था मैंने कूल्ड्रॉन यहाँ से तो असली लूट है वो है हेबेल यानी कि खाना हेबेल से बनते वीट वीट से मिलते हैं ब्रेड ब्रेड से मिलते हैं क्या हाँ खाना और हंगर बार्स सारे हेबल को लूट लूंगा एक एक को खाऊंगा कितने मिले 35 फिर भी मेरी पेट के लिए कम है और चाहिए मुझे और तुम्हारे यहाँ हेबल्स कम है थोड़े से बड़ा तो ताकि मैं उनको ले सकूं और खा सकूं चलो पागल है जो मेरी बात मानेंगे जो मेरी बात मानेगा वो तो पागल होगा इतने काफ़ी होंगे कोल्स जो भी मिलते हैं उनको लेना होगा क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेस की बहुत कमी है घर में देखते हैं ओ हाँ ये तो वही फालतू घर बड़ा घर है इसको मैंने पहले ही देख सकूं वहां पर कुछ हो सकता है गाइस इसलिए वो वहां पर जा रहा है ताकि मैं उसको लूट ना सकूं लेकिन इसको क्या पता मेरी बस तलवार है इसीलिए दूर चला गया अब ये बोला बचाओ इसको इस चीज को ये बोलेगा साथी लेकिन कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसको लूट के ही जाऊंगा चेस्ट एक बुक जो कि मेरे किसी भी काम की नहीं रही फिर मैं इसको लूंगा क्योंकि जो भी रिसोर्सेस मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होगा जैसे कि ये अभी एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए काम आएगी इसमें एक और चेस्ट है इस वाह इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छी लूट है Yes, bro. ब्रो निकल जाएगी और यहाँ से कूदा मैं गलती से भी चोट नहीं आनी चाहिए गलती से भी नहीं देखते हैं मरूंगा नहीं मैंने
मुझे पता था कि मैं नहीं मारूंगा। आयरन गोलम कहाँ है तू? आयरन गोलम कहाँ है? मुझे तुझसे एक काम है। वो रहा आयरन गोलू भैया। हाँ आयरन गोलू भैया। हाँ भैया कैसे हो? ठीक हाल चाल? हाँ बोलिए ज़रा, हमें भी तो आपकी हाल चाल जानी है ना। हाँ आप बोलते नहीं अपने हाल चाल। अच्छा कहाँ रह गए आप? अरे आप तो काफ़ी स्लो निकले आयरन गोलू भैया। लेकिन क्या आयरन गोलू, ओह माय गॉड ये मुझे स्कैम कर रहा था। ओह माय गॉड ओह शिट। फिर से स्कैम करने का, इसका स्कैमिंग है एकदम। एक सेकेंड पागल है। पागल कहीं के एकदम गया था, एकदम फ्रीज हो गया। बहुत खतरनाक राइड है, बहुत खतरनाक राइड। हेलो देखते कितना आयरन दिए। ये तो काफी अच्छा है लेकिन 5 सबसे ज्यादा देता है वो, और मैं तो इतना लकी नहीं हूँ। मैं इतना लकी कहाँ। ओके चलो बनाते हैं ब्रेड। लो भाई यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। ये देखो मरी हुई बॉडीज पड़ी हैं, ये मरी हुई बॉडीज पड़ी हैं भाई, यहाँ बॉडीज पड़ी हैं। ये देखो भाई देखो, रोहित भाई पकड़ के रखना मोबाइल एक मिनट, टाइट टाइट पकड़े रखना टाइट। इसको दिखाते रहो आगे, दिखाते रहो आगे। क्यों नहीं बने थे भाई? मैंने कहा ये देखिए भाई आगे देखो अंधेरा भाई, आगे मरने का पूरा खतरा, मरने का पूरा खतरा। ओ भाई ये देखिए भाई दरवाजा, देखिए भाई जो फिल्म नहीं था मम्मी रिटर्न, वो वाली है भाई मम्मी रिटर्न। ये देखो भाई कितना खतरा है, कितनी खतरनाक है। ये देखो भाई देखो
भाई खतरनाक काम है, खतरनाक। कितना जबरदस्त क्या दे रहा है ये, एकदम खटी। ये कहानी 16 साल के रोजन नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सारी औरतों के साथ माथा गर्म हो जाएगा जी। ऐसी मार्केट में आपको लेके आया हूँ थाईलैंड की, जहाँ पर कछुए से लेके मेंढक से लेके सांप तक सब पालतू हैं जी। ये देखो जी, ये कछुआ आप देख सकते हैं जी कितना बड़ा है। रोहित भाई देखा था इतना बड़ा कछुआ? देखे हमने नहीं देखा कभी आज तक कछुआ, पर सुना सुना है। इतने पास से है ना, दूर से देखा। सभी पालतू हैं ये, और ये सब पालतू है। पूरी मार्केट आपको दिखाते हैं, यहाँ देखो जी। सर हाउ मच? फोर थाउजेंड, 4,000 रुपए का भैया। ओ भाई बहुत, 4,000 रुपए का ये, पर 4,000 रुपए का। इसके बाद ये मछलियाँ आ जाती हैं। ये मछलियाँ क्या है? तो और किस्म के झींगे हैं, झींगा टाइप कुछ ऐसा। हाँ उधर दिखाइए दर्शन जी, उधर। ये क्या है, शिम्पसी क्या है जो ये? ये बताओ भाई क्या है, जिसको पता है शंख जैसा होता है ना, जो शंख जैसा होता है ये क्या है? हाँ भाई आगे आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है भाई। यहाँ पे सांप जैसा भी है, देखो जी कुछ सांप टाइप है। मछली है कोई, ये मछली है, सांप जैसी मछली है कोई। सांप भी आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो जी अलग अलग तरीके की मछलियाँ हैं यहाँ पे। मेंढक भी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखो जी कैसा जीव है, छोटे कछुए आ गए, एक छोटे कछुए टाइप है कुछ। ये देखो जी ये क्या है रोहित भाई? ये तो कछुए, ये कछुआ लग रहा है। ये देखिए कछुआ, देखो कैसे कैसा कछुआ है, पानी में रहता है। मेरे को लग रहा है ये कछुए के बच्चे बुच्चे लग रहे हैं, कछुए के। छोड़ो अभी के लिए, तो खाना ही सही है, सही है, सही है, सही है। खाना कहाँ है हमें बता। चोर 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 खाना चोर खाना चोर, धीरे बोलते हैं वरना ये सुन जाएंगे। आयरन क्या मिलेगा हमको? चलो खोजते हैं, अगर आयरन मिले तो अच्छी बात है और नहीं मिले तो बुरी बात है। Bye bye, see you later, good bye.